हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कथवा का रायता और मिक्स सब्जी। तो कथवा का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गथवा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं गथवे को अच्छे से साफ कर रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। कथवा का रायता बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरीके से मैं गथवा का रायता बनाती हूँ। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपनी सब्जी जो है अच्छे से साफ कर ली। आप कम से कम 2 से 3 बार वॉश कीजिएगा। और अब मैंने गैस में रख दिया है मीडियम फ्लेम में, और मैंने यहाँ पे डाला है 2 गिलास पानी, और कम से कम 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। सो फ्रेंड्स, सब्जी में मैंने लिया है आलू, गोभी, मटर और गाजर। आज मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ। अगर आपको दूसरी सब्जी इंक्लूड करनी है तो आप कर सकते हो, जैसे कि बीन्स वगैरह होगी। और यहाँ पे मैंने 1 टमाटर, 1 प्याज और लहसुन लिया है, और साथ में मैंने कुछ पनीर लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं जीरा और राई मिलाऊंगी जब तेल गरम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, साथ में मैंने यहाँ पे कटे हुए लहसुन डाले हैं, और इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। और साथ में मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर लिए हैं, देखिए। और जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइट ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज। फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड किए हैं, ये देखिए। अब मैं सारे सब्जी इसमें ऐड कर लूँगी। सब्जी के बाद ही मैं इसमें मसाले डालूँगी। यहाँ मैंने सिंपल मसाले का यूज़ करूँगी, जैसे कि नमक हो गया, मिर्च, गरम मसाला एंड हल्दी। आधा आधा चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये देखिए गरम मसाला, और तब थोड़ा मैंने हल्दी डाल दी है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लो फ्लेम में गैस को रखेंगे, और ढक्कन लगाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। और बीच बीच में आप चेक करते रहेगा ताकि सब्जी नीचे से जले ना। ये देखिए, अब हम कवर कर देंगे सब्जी को, और गैस को लो फ्लेम में कर देना है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो गथवा है वो भी पक चुका है। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने तवे में जीरा भून रही हूँ, ये देखिए। जब ये थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएंगे तब तक भूनना है। और मेरा जो गथवा मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, साथ में मैंने थोड़ा भुना हुआ जीरा, 2 मिर्च और थोड़ा सा अदरक लिया है, और इसको मैं साथ में मिक्सी में ऐड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, ज़रूर बनाएगा ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा नमक ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। सो हमारा जो गथवा का रायता है वो रेडी हो चुका है, ये देखिए। फ्रेंड्स, हमारी जो मिक्स सब्जी है वो पक चुकी है। अब मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी, और कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। और फ्रेंड्स, हमारी जो मिक्स सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, गथवे का रायता और मिक्स सब्जी आप घर पे ज़रूर बनाएगा, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये डिश। यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही हेल्दी है। और अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।